आपको लिए चलते हैं सीधे अररिया अंतर्गत ब्लॉक भरगमा और भरगमा अंतर्गत पंचायत बीरनगर पूरब वार्ड नंबर 15, जहां मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत रोड बन रही है। अब समाचार विस्तार से। आंखों देखी आमने सामने अररिया जिला के भरगमा ब्लॉक में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत मुसलमान टोला से LO 37 तक पथ निर्माण कार्य संवेदक मोहम्मद अफरोज आलम के द्वारा 1 किलोमीटर 300 मीटर इकरारनामा राशि 73 लाख रुपए से कार्यकारी एजेंसी कार्यपालक अभियंता ग्राम कार्य विभाग के द्वारा कार्य करवाया जा रहा है। इस कार्य को करने में काफी अनियमितता देखी जा रही है या ऐसा बोले बरती जा रही है और सड़क में नापी के तहत जो मटेरियल देना था वो नहीं दिया जा रहा है। इस कार्य को पूरा करने के लिए सिर्फ खाना पूर्ति किया जा रहा है और जो मटेरियल GSB बनाकर डालना था उसमें सबसे ज्यादा मिट्टी है और लगभग थोड़ा सा गिट्टी का मात्रा दिया जा रहा है। इसमें डस्ट और 5-8 नहीं दिया जा रहा है। गौरतलब है कि कुछ बिचौलियों की देखरेख में इस काम को अंजाम दिया जा रहा है। आपको बता दें कि भरगमा ब्लॉक में पंचायत बीरनगर पूरब, बीरनगर पश्चिम, नया भरगमा, धनेश्री, बिसरिया और बैजनाथपुर फुटहा में ठीक इसी तरीके से रोड कार्य हो रही है। आज जब RU SDO साहब से हमने बात किया तो सिर्फ आश्वासन मिला कि हम जांच करेंगे। अब समझने वाली बात यह है कि JE साहब रोड पास कैसे कर रहे हैं और ठेकेदार के नाम पर ही ठग है। ऐसे में अगर कोई पब्लिक विरोध करे तो उसके ऊपर रंगदारी का धारा लगा दिया जाएगा। आप समझ सकते हैं कि रोड किस तरीके से बन रही है। आइए सीधे लिए चलते हैं आपको ग्राउंड जीरो पे, जहां लोग क्या बोल रहे हैं। आप भी सुनिए और फैसला कीजिए कि बिहार में बहार है या कुछ और। आवाज आपका और आपके साथ है MS परदेसी जी। हाँ, भरगमा अंतर्गत पंचायत बीरनगर पूरब में हम हैं। ये वार्ड नंबर 15 है। अभी चूंकि बिहार में विकास की बात अगर किया जाए तो सुशासन बाबू दम भरते हैं, हमारे बिहार में विकास कगार पे है। बोले तो विकास का कोई ऐसा जगह नहीं जहां छूटा हो, चाहे वो शिक्षा का बात हो, चाहे रोडवेज की बात हो, चाहे और भी कई चीज है जिसको लेकर के आजकल तो जन संवाद कार्यक्रम चल रही है। लोगों को समझाता है, खाना पूर्ति करके वहां से चल दिया जाता है। आज हम आपको सीधे लिए चलते हैं ये रोड पे, इस पे पिचिंग होना है। नीचे में आप आगे देख सकते हैं बिल्कुल व्हाइट व्हाइट नजर आता होगा, वो ढलाई है। बीच में थोड़ा गहरा था, यहाँ पे मिट्टी और 5-8 दे करके थोड़ा खाना पूर्ति किया गया है। इसमें डस्ट मिला होना चाहिए। जो GSB का माल होता है उसमें कई तरह से मिक्सिंग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ बड़ा बड़ा बोल्डर। हम दिखाने का प्रयास करते हैं आपको। ये आप देख सकते हैं थोड़ा सा ये मिट्टी है, ये बोल्डर नहीं, ये मिट्टी है। आप देख सकते हैं बिल्कुल अपने नजर से, और खास करके RU के SDO साहब तो जरूर देखें। ये मिट्टी है और ये है बोल्डर, इससे ये रोड बन रही है। बिहार में तो बहार है, सुशासन बाबू का सरकार है, बोलना कुछ है नहीं, नहीं तो हमारे ऊपर कहीं पोटा न लग जाए। बाबा रे बाबा, ये हम बिहार के बारे में कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आम जनता से पूछ जरूर सकते हैं कि यहाँ हो क्या रही है। आप हमको बताइए कि ये इसके नीचे जो रोड है वो PCC ढलाई थी? हाँ, PCC ढलाई थी। उसके ऊपर में कौन सा माल दिया? यही मिट्टी दिया। मिट्टी और गिट्टी है ना? हाँ, यही दिया। चौक पर मिला कर दिया। क्या इंची लगभग पड़ा हुआ है? वही 2-2.5 इंची पड़ा हुआ है। कहा 2 इंची, मान लेते हैं 4 इंची, 2 इंची, 1.5 इंची, बस यही है। यही? हाँ, बस यही। इसके बाद कुछ हुआ नहीं? कुछ नहीं हुआ। अच्छा, आप लोग बोल रहे थे दोनों साइड में कुछ दिया नहीं? कुछ नहीं दिया। ऐसे ऐसे जो पानी निकलता है वो पाइप था। हाँ। पाइप जो है कि उसको हर दिया गया, निकाल। अच्छा, दिया गया। अच्छा, उसके बाद
सिंपल सिर्फ जो आप देख रहे हैं कि बेट मिसाली ये और पत्थर जो दिया गया है उधर रोलर भी चलना चाहिए, मिट्टी उधर और लगेगा, ये मिट्टी गिट्टी और पड़ना चाहिए, पड़ना चाहिए, समझ लीजिए मिट्टी गिट्टी और पड़ना चाहिए जबकि डस्ट होना चाहिए। एस्टीमेट के मुताबिक कोई काम नहीं कर रही है। ठीक है, आप लोग एस्टीमेट मांगे थे? एस्टीमेट मांगे थे, बहुत मांगे, बहुत मांगे, नहीं देता है। यहाँ के ठेकेदार मुंशी को भेजे हैं वो मतलब चिढ़ता ही है, हर एक बात वो ऐसे बोल रहा है कि पहले जो ठेकेदार काम करवा करके गए मुंशी यहाँ आँख बिचोली। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा यहाँ का ठेकेदार कौन है कुछ पता लगा? ठेकेदार का तो नाम नहीं जानते हैं लेकिन मुंशी का भी नाम है शायद। उसके चमचे आगे पीछे बहुत करता है। उसका चमचा, उसका चमचा जो है वही आगे पीछे करता है। यहाँ का जो चमचा उमचा है बस वही चमचा बेलचा कह लीजिए वही से आगे पीछे करता है। वो सब यहाँ खूब आना जाना करता है, आना जाना करता है वही। और पब्लिक का, पब्लिक का कोई बात नहीं सुनता है, कुछ नहीं सुनता, कुछ नहीं सुनता। अच्छा पीचिंग जो आपका होगा इसका कितना दिन चलेगा बाबा? एक बरसात भी नहीं चलने वाला है। समय के लिए बिल्कुल कम समय के लिए, इसका कोई मतलब लिमिट ही नहीं है। 6 महीना चलेगा, 2 महीना चलेगा, एक महीना चलेगा, कोई लिमिट नहीं। देख रहे हैं एक साल में खत्म हो गया। एक साल में सबको खा पी लेके बैठ जाता है सबको, ठेकेदार सब चमचा साल में ढलैया भी गायब हो गया, एकदम खत्म हो गया। उम्मीद है कि एक साल में पिचिंग भी खत्म हो जाएगा। एक साल के अंदर 6 महीने बरसात आया ना गया खत्म हो गया, खत्म। प्रधानमंत्री रोड उसमें जो है न अलकतरा सही से देता है, न गिट्टी बढ़िया से देता है, न पिचिंग बढ़िया से करता है। खाली खाना पूर्ति करके अपना काम चला लिया, पैसा इंजीनियर जो इंजीनियर चेक करने के लिए आता है वो सब पीसी खाता है। वो पीछे लिख दिया कहा वेरी गुड रोड, चला गया, बस हो गया वेरी गुड। में पैसा मिला तो नहीं लिखेगा बढ़िया जी। बहुत बहुत धन्यवाद ये सब बात करने के लिए। आपको बता दें कि जीएसटी के नाम पर, टैक्स के नाम पर सभी आदमी को माचिस से लेकर के हवाई जहाज तक तो सरकार को देना पड़ता है, है? अब देखिए कुछ और खरीदिए टैक्स हो तो आपको लगेगा, कहा के बिहार है। और वो सबको बात सब हटा दीजिए, पूरे वर्ल्ड में शिक्षा पे जीएसटी आज तक नहीं लगी लेकिन भारत में लग रहा, खास करके बिहार में लग रहा है। समझने वाली बात है, शिक्षा पे भी जीएसटी लग रही है लेकिन लोगों का खून चूस करके पैसा ले करके ये गिट्टी और मिट्टी डाल के 6 महीना के लिए रोड बन रहा है। इसका दायित्व किसका है, कौन इसका दायित्व लेगा और कौन इसको होने दे रहा है? जेई साहब कहाँ है, एसडीओ साहब कहाँ है, ये सारा चीज देखना होगा। और इस रोड का कम से कम दोबारा इंस्पेक्शन हो और इस पे बढ़िया से मटेरियल लगे, यही यहाँ की आम जनता की मांग है। करेंगे आप लोग? अरे हम लोग जब काम सही ढंग से करेगा तो हम लोग जोरदार से करने देंगे, नहीं करेगा तो हम लोग रोक देंगे। रोक दीजिएगा आप सब ग्राम वासी, सारे ग्रामीण मिलकर रोड को रोक दीजिएगा सारे ग्राम। अच्छा इसका मेन रीजन तो यही है कि आप लोग को सही से इस पर मटेरियल नहीं पड़ा है, ये इसी वजह से आप लोग रोकेंगे जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज के बाद ठेकेदार की ठगाई सामने आ चुकी है तो समझे यहाँ की सरकार और समझे यहाँ के आरईओ विभाग कि रोड को किस तरीके से बनाना है। विजयनगर पूरब से MS परदेशी।